हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 11 थियरीज हम कर चुके हैं, आज हम 12th थियरी की बात करेंगे, इंटेलिजेंस की। क्रिस्टल एंड फ्लूइड थियरी इसको बोलते हैं। यूजुअली मैंने भी एक क्लास में कराया था और यूजुअली आपको यही मिलेगा कि ये कैटल की थियरी है, ओके। बट एक बुक में ये भी मेंशन है, एसके मंगल की बुक में, कि ये कैटल और हॉर्न की थियरी है। इन दोनों ने इस थियरी को दिया है, अलग अलग टाइम पे थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सप्लेन की हैं, वो हम बोल सकते हैं जो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब भी क्रिस्टल एंड फ्लूइड थियरी मिले, अगर एक नाम मिलता है तो कैटल के साथ जाइए, अदरवाइज कैटल एंड हॉर्न की थियरी है ये, ओके। सो कैटल ने 1965 में इसके बारे में बात की, इसीलिए इसको कैटल की थियरी बोल दिया जाता है। और हॉर्न ने 1978 में, तो इन्होंने एक इंटेलिजेंस की थियरी जो है वो प्रपोज की, जिसमें ये इंटेलिजेंस को दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक है फ्लूइड इंटेलिजेंस और एक है क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ओके। अब इनका मतलब क्या होता है वो हमें देखना है। ऑल्दो ये जो दोनों की दोनों इंटेलिजेंस हैं, ये अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, बट ये दोनों की दोनों इंटेलिजेंस एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं या इंटरमिंगल करती हैं ओवरऑल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो तो हमने हर थियरी में पढ़ा है। जैसे हमने अर्थुर की थियरी में पढ़ा था कि लेवल वन और लेवल टू, दो लेवल होते हैं, लेकिन उन्होंने दो लेवल दिए, तो हमें ये तो पता है ना कि ओवरऑल इंटेलिजेंस के लिए हम इन दोनों को मिला के लेके चलेंगे, दोनों इंटरेक्ट करेंगे। तो जितनी भी थियरीज हमने देखी है उसमें इंटरेक्शन हर जगह पॉसिबल है। हम ये बोल सकते हैं बहुत जगह पे कि इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, बट इंटरेक्शन जरूर होगा इनका। और जब इंटरेक्शन होगा उनके इंटरमिंगल से ही क्या होगी, ओवरऑल इंटेलिजेंस हमारी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फ्लूइड इंटेलिजेंस को देखें, फ्लूइड मतलब चेंज हो सकता है थोड़ा थोड़ा, देखें तो इसके अंदर। सो ये क्या है जी, मेंटल कैपेसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब मेंटल कैपेसिटी जहाँ पे इंक्लूडेड रहेगी किसी भी इंडिविजुअल की, जो हमें जरूरत होती है लर्निंग के लिए या प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। सो वो जो मेंटल कैपेसिटी की बात है ना, वो फ्लूइड इंटेलिजेंस है, ओके। तो मेंटल लेवल पे जो चीजें हो रही होंगी, जो दिमाग में लोचा हो रहा है, वो डिपेंडेंट होगा ना न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट पे, यानी जो न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन्स चीजें जो हमने पढ़ी हैं ऑलरेडी, सेंसेस पढ़े हैं, न्यूरॉन्स पढ़े, या जो ऑटोनॉमिक सिस्टम पढ़ा था या जो नर्वस सिस्टम पढ़ा था, तो उन चीजों के ऊपर ये डिपेंडेंट रहेगी, ओके। रिलेटिवली फ्री होते हैं ये इन्फ्लुएंस ऑफ द एजुकेशन एंड कल्चर, यानी हम बोल सकते हैं फ्लूइड जो है वो लेवल वन की तरह है कहीं ना कहीं, या फिर लेवल वन भी ना बोले तो जो वो पढ़ा था ना हमने आर्किटेक्चरल सिस्टम, तो वो आर्किटेक्चरल सिस्टम की तरह है, क्योंकि ये एजुकेशन और कल्चर का इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, वो हमने आर्किटेक्चरल में पढ़ा था, ओके। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, और वो कनेक्शन तभी आएगा जब आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे फोकस करेंगे रादर देन रोट लर्निंग, ओके। तो ये दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो इट इज डिराइव्ड मोर फ्रॉम बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर, विच अगेन गोज विद बायोलॉजिकल बेस और आर्किटेक्चरल सिस्टम ऑफ, जो हमने ब्राउन की थियरी और जो क्या नाम था उनका, कैंपेन एंड ब्राउन की थियरी को पढ़ा था, ठीक है। और लेस इन्फ्लुएंस्ड रहेगी किससे, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से। तो दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इज पुट टू यूज जब नई और स्ट्रेंज सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, तब हम ये चीजें जो है वो निकाल के लाते हैं, जहां पे ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, तब हमें अडेप्टेशंस की, उसको कॉम्प्रीहेंड करने की, रीजनिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और उन जो चीज हम देख रहे हैं, जो सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं, उसमें आइडेंटिफाई करना कि रिलेशनशिप क्या है, कैसे हम चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें किसमें आएंगी जी, फ्लूइड इंटेलिजेंस में इंक्लूडेड रहेंगी, ठीक है। सो फुल डेवलपमेंट कब होगा फ्लूइड इंटेलिजेंस का, एडोलेसेंस की एंड तक आते आते, यानी जब एडोलेसेंस तक बच्चा पहुंचेगा, तो एडोलेसेंस जब तक खत्म होगा तब तक जो है वो फ्लूइड इंटेलिजेंस कंप्लीटली डेवलप हो चुकी होती है, ऐसा बुक में मेंशन है और ऐसा मानना है क्रिस्टल एंड हॉर्न का, कैटल एंड हॉर्न का, ठीक है जी। तो चलिए क्रिस्टलाइज्ड की बात करें, ये तो हमने फ्लूइड की बात कर ली जो मेंटल लेवल पे है, न्यूरोलॉजिकल चीजों पे डिपेंड करती है, तो ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए कि अगर फ्लूइड की बात हो रही है तो वो न्यूरोलॉजिकल वे से, तो क्रिस्टलाइज्ड में नहीं होगा, ठीक है। तो वही सेम डिफरेंस मैंने आर्किटेक्चरल के दौरान भी आपको बताया था कि आर्किटेक्चरल और एग्जीक्यूटिव की जब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके की इंटेलिजेंस है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो समहाउ वैसा वैसा ही है, बस इनका नाम चेंज कर दिया, क्रिस्टल और फ्लूइड हो गया, थोड़ी सी शब्दावली चेंज हो गई, वोकैब चेंज हो गई, सो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अगर ये न्यूरोलॉजिकल थी जिसको हम बोल रहे थे, तो फिर इननेट हो गई, तो क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टलाइज्ड जो है वो नहीं होगी, इननेट भी नहीं होगी, और इसको और अनलर्नड लाइक फ्लूइड इंटेलिजेंस, तो अनलर्न नहीं होगी, इसको हमें सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्पेशली लर्न्ड होती है, जो हमने किस में बात की थी, एग्जीक्यूटिव में बात की थी,
ओके तो मैं इसको कंपेयर करना चाह रही हूँ थोड़ा सा आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको थियोरीज बहुत ज्यादा ना लगे। तो मैं कंपेयर करके जो कैंपियन और ब्राउन की थियोरी मैंने पढ़ाई थी लास्ट लेक्चर में, उससे रिलेट करके समझाना चाह रही हूँ इसको। ओके तो आपने वो नहीं देखी तो देखिएगा, वहां पे मैंने एक आर्किटेक्चरल सिस्टम की बात की थी और एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम की बात की थी। तो आप देखेंगे कि आर्किटेक्चरल सिस्टम की जो खूबियां हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं वो फ्लूइड इंटेलिजेंस से मिलती जुलती हैं, और क्रिस्टलाइज की बात करें तो वो एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस से मिलती जुलती हैं। ओके क्योंकि आर्किटेक्चरल में भी हमने यही बात की थी कि वो इननेट होती है, एजुकेशन का कल्चर का उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता और वो उसको हम सीख नहीं सकते, वो जन्म से ही है जो है। लेकिन एग्जीक्यूटिव में हमने बात की थी कि वही उसको सीख सकते हैं, स्पेशली लर्नड है, वो सीखा जाएगा स्किल की तरह। सेम अप्लाइज हियर। ओके इट इन्वॉल्व्स वंस एक्वायर्ड फंड ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, यानी इसमें क्या चीजें होंगी, जो आपने जनरल नॉलेज, जो स्किल है जो आपने एक्वायर की है डे टू डे लाइफ में, जो आपने अलग अलग टास्क परफॉर्म कर करके एक्सपीरियंस लिया है, सीखी है चीजें, वो क्रिस्टलाइज्ड है। ठीक है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू वंस फंड ऑफ वोकैबुलरी या जनरल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स या नॉलेज ऑफ कस्टम। बेसिकली ओवरऑल जो चीजें आपने सीखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, जिनको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब जैसे मान लो कोई स्किल आपने सीखी, कोडिंग सीखी आपने, ठीक है, या पढ़ाना सीखा, तो आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बेसिस पे जो चीजें हैं वो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है। ठीक है जी, सो ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है वो रिलेटिवली हायर डिग्री रहेगी, किस पे, कल्चर, एजुकेशन, एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग फ्री परफॉर्मेंसेज रहेंगी इसमें, थिंकिंग या रीजनिंग, इमेजिनेशन चीजें होंगी, यानी जो मेंटल लेवल पे चीजें हो रही हैं। और क्रिस्टलाइज में क्या होगा, जो आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ट्रेनिंग से सीखते हैं और एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं, वो हमारी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस में आ जाएगी और ये इंक्रीज ही होगी लाइफ स्पैन जैसे जैसे इंक्रीज होगा। लेकिन फ्लूइड इंटेलिजेंस एडोलेसेंस के एंड तक जो है वो फुल्ली डेवलप हो जाएगी। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।